हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। और रथयात्रा के उपलक्ष में आप सभी को आज रहस्यमय घटनाओं से अवगत कराएंगे, जो पुरी की घटनाएं हैं। और कल मंगलवार 20 तारीख को भगवान जगन्नाथ का रथ निकलेगा, जो पुरी के राजा स्वयं भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे सोने के झाड़ुओं से भगवान के रथ के आगे सफाई करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ कलयुग के भी भगवान हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी एक साथ निवास करते हैं। कुछ रहस्य भी है जो आज तक कोई जान नहीं पाया। हर 12 साल में ना भगवान की मूर्तियों को बदल दिया जाता है। उस समय पूरे शहर में ब्लैकआउट किया जाता है, मतलब पूरे शहर को लाइटें बंद कर दी जाती हैं। और लाइट बंद होने से मंदिर के परिसर को CRPF की सेना चारों ओर से घेर लेती है। उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता है और मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों में पट्टी बंधी होती है और पुजारी के हाथ में दस्ताने होते हैं। वो ना पुजारी ना भगवान जगन्नाथ के एक ब्रह्म पदार्थ निकालता है, पुराने विग्रह से निकाल कर नए विग्रह में ट्रांसफ़र करता है। और उनके हाथों में दस्ताने लगे होते हैं। ये एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी भी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाएंगे। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये है क्या कोई भी नहीं जानता। ये पूरी प्रक्रिया 12 साल में एक बार होती है। उस समय सुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है, मगर आज तक कोई भी पुजारी नहीं बता पाया कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर है क्या ऐसा। कुछ पुजारियों का तो ऐसा भी मानना है कि जब हमने उसमें हाथ लगाया तो खरगोश जैसा कुछ उछल रहा था, पर आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और हाथ में दस्ताने थे तो हम सिर्फ महसूस कर पाए। भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से जब आप पहला कदम अंदर रखेंगे तो समुद्र की लहरों की आवाज़ें अंदर सुनाई नहीं देगी। जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे वैसे ही आपको समुद्र की आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी। आपने ज़्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षियों को उड़ते हुए देखे होंगे, पर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। दिन में आप किसी भी समय भगवान जगन्नाथ के मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिले शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसी तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है जो आप हर दिशा से देखेंगे उस दिशा में आपको भगवान की तरफ ही उसका मुख दिखाई देगा। चक्र का जिधर से भी आप मुंह करके देखेंगे वो उधर की तरफ आपको ही दिखेगा। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के ना 7 बर्तनों का एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पक जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाले प्रसाद भक्तों के लिए कभी भी कम नहीं पड़ता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। ऐसे ही ये भगवान की लीलाएं। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग किचन में मंदिर के रसोई में सेवा कर रहे हैं उनके ही पीढ़ी अब तक सेवा कर रही है। एक पीढ़ी इस दुनिया से चली जाती है, उनके ही पीढ़ी फिर वो रसोई में सेवा करती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग आज तक सब्जियों काटने का सेवा कर रहे हैं वो आज तक उनकी ही पीढ़ी सब्जियां काट रही है।
जो लोग रसोई में प्रसाद बनाने का काम कर रहे हैं उनकी ही पीढ़ियाँ अभी तक रसोई में बनाने का काम कर रही है, भगवान जगन्नाथ का प्रसाद। ऐसी अजीब अजीब सी अद्भुत घटनाएं भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर में किया करते हैं, जो स्वयं वहाँ पर विराजित हैं। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ को कलयुग के भगवान को नाम से जाना जाता है। ऐसा कहते हैं ना, जगन्नाथ अनाथों के नाथ, जगन्नाथ जिसका कोई सहारा नहीं है उसके जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। जो उनके ऊपर पूरा अटूट विश्वास रखता है, जगन्नाथ उसको कभी उसके विश्वास को डिगने नहीं देते, टूटने नहीं देते हैं। तो आप और आपके परिवार पर भी भगवान जगन्नाथ की कृपा बनी रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। और कैसा लगा इतना सुंदर भगवान जगन्नाथ की कथा सुनकर, जो अद्भुत है, हमें ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा।